अगर आपके पास पेटीएम पेमेंट बैंक है तो पेटीएम पेमेंट बैंक का बहुत ही बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पेटीएम पेमेंट बैंक के खाते पे आप 50 बार ही पैसे को मंगा सकते हैं, यानी कि पैसे को रिसीव कर सकते हैं। अगर आपको पेटीएम पेमेंट बैंक में 50 बार से अधिक पैसे मंगाना चाहते हैं तो आपको जो है अपने अकाउंट को, सेविंग अकाउंट को अपग्रेड कराना होगा। अपग्रेड कराने के बाद आपका अकाउंट सेविंग अकाउंट से करेंट अकाउंट में बदल जाएगा, और जब बदल जाएगा तो आप जो है अनलिमिटेड बार पैसा अपने खाते में मंगा सकते हैं। एक बार अपने सेविंग अकाउंट को करेंट अकाउंट में अगर आप बदल लेते हैं तो आप मन चाहे जितना बार उतना पैसा आप मंगा सकते हैं, अनलिमिटेड आप मनी रिसीव कर सकते हैं। अब सवाल यह आता है, जो सेविंग अकाउंट में फैसिलिटी दिया जाता है वही करेंट अकाउंट में फैसिलिटी मिलेगा? जी हाँ बिल्कुल, आपका जो अकाउंट नंबर वही रहेगा, UPI भी उसी तरह से यूज कर पाएंगे और डेबिट कार्ड भी आपका वही रहेगा। इसके साथ साथ आप FD भी आप उसी तरीके से ओपन कर सकते हैं, कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। बस बदलाव एक ही किया जाएगा कि आप जो है 50 बार से ज़्यादा आप अपने अकाउंट में पैसे मंगा सकते हैं, इसीलिए आपको जो है सेविंग अकाउंट को करेंट अकाउंट में बदलना होगा पेटीएम पेमेंट्स बैंक को। इसके लिए आपको क्या करना होगा, अपग्रेड करने के लिए आपके जो है पेटीएम पेमेंट बैंक में एक नोटिफिकेशन आएगा कुछ इस तरह से, तो आप यहां पे अपग्रेड कर सकते। ये अपडेट जो है धीरे धीरे सभी ग्राहकों को मिलना शुरू हो चुका है और आपको भी मिल जाएगा। तो हमारे पास ये अपडेट अभी तक नहीं आया है, जैसे ही आ जाता है तो हम आपको एक कम्प्लीट वीडियो बना के हम दे देंगे किस तरह से सेविंग अकाउंट को करेंट अकाउंट में बदला जाता है, वो भी पेटीएम पेमेंट्स बैंक। तो इस वीडियो में अगर आपको जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।